विश्व सर्वहारा के महान नेता, दुनिया के मजदूरों को युगों से चले आ रहे शोषण और लूट से मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले महान कार्ल मार्क्स के स्मृति दिवस को मनाते हुए मेहनतकश वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी SUCI के द्वारा आज 14 मार्च को मजदूर चौक पर पुष्पांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत महान कार्ल मार्क्स के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की। शर्मा जी, बताइए आज आप किस उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए? आज महान मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को उनके स्मृति दिवस पर याद कर रहे हैं। वो इसलिए किया जा रहा है कि जिन्होंने दुनिया में एक बेहतरी का सिद्धांत दिया, आज पूरी दुनिया में उनको जब याद किया जा रहा है तो गुना की धरती पर भी हम लोग मजदूर साथियों के बीच में मार्क्स को याद कर रहे हैं। मार्क्स ने गैर बराबरी के खिलाफ एक सिद्धांत दिया था कि ये दुनिया पूरी बेहतर हो, लेकिन ये कहा जाता है कई लोगों द्वारा कि मार्क्स का सिद्धांत विदेशी सिद्धांत था। हमने बार बार कहा कि कोई भी सिद्धांत विदेशी सिद्धांत नहीं होता। जब एक्सरे की खोज हुई तो पूरी दुनिया ने उसका लाभ लिया। जो भी सिद्धांत दुनिया में खोजा गया उसका पूरी मानव जाति के उपयोग में वो सिद्धांत आया। SUCI के मध्य प्रदेश राज्य कमेटी सदस्य लोकेश शर्मा और नरेंद्र भदौरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि मजदूरों को एक होकर समाजवादी क्रांति के लिए संघर्ष करने चाहिए। कार्यक्रम का संयोजन सुरेंद्र कुमार ने किया, बस संचालन नितिन जैन ने किया, आभार विकास बंसल ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में राजू चंदेल, अबताल चंदेल, शिवाजी ओझा सहित कई मजदूर साथी व आमजन उपस्थित रहे।